अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। देखें, अब्बू जी भी उठे हैं। ओ देखो, जाने पे अब्बू जी लाइट्स ऑफ कर रहे हैं। लाइट्स। अस्सलाम वालेकुम, उठ गए हो? मेरा स्कार्फ नहीं मिल रहा, इधर तो नहीं पिया या? हाँ, ऐ पे है, अब्बू जी के कमरे में पड़ा हुआ है। जाके दही लेके आऊँ? देखिए अब्बू जी बैठ के तो पढ़ रहे हैं यासीन। फोन चार्जिंग पे लगा के जाऊं, बैटरी मुक्कन वाली है, रात याद ही नहीं रहा। ये देखिए अब्बू जी डाल रहे हैं जी पौधों को पानी, टप के अंदर डाल के। डोंगा टूट गया, डोंगा आज मैं लेके आंदी हूं। आहो मैं लैके आवांगी अज इंशा। कल फिर इन्ना बिजी सी कल का दिन, बाजार भी अद्धे खुले अद्धे बंद। अज जावांगी इंशाला। सुते ने बच्चे हले? अब्बू जी देख रहे हैं, कह रहे हैं कूक सुतियां ने। कंबल लैके सोंदे रे, कंबल लैके। मैं कंबल शंबल लैके सुते होंदे ने। बाहर बह जाना सा जे जरा, बाहर बह जाना सी। हाँ चलो लेट जाओ फिर, बस आने वालिया ने आसिया हो रही। मैं फिर सफाई वगैरह करवाऊँ आज। तो जी आसिया आ चुकी है, वो ये देखें सेन धुल रहा है। ये देखें यहाँ पे धुल रहा है जी सेन। देखो बड़ा अच्छा लगता है जिस दिन सेन धुलता है ना, फर्श चमकता है, उस दिन चमकता है फिर। तो ये जी किसी कस्टमर के कपड़े हैं, इनको मैं नहीं हले सुतियाँ ने। इनको मैं रखूँ सूट केस में, इस वाले में। चल भाई आ जा, आज इसको फिल करते हैं। और एक ये वाला सूट है जी, ये देखें, ये भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह से। तो बच्चों के जी कपड़े कुछ अभी मैंने नहीं खोले, कुछ गिफ्ट्स अभी पड़े हुए हैं। ये बस मैं देखो चीज़ें सारी मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दी हैं। तो बस उन वापसी की भी तैयारी का टाइम जो है वो पास पास ही है तकरीबन। तो मैं जी जा रही हूँ ज़रा सामने शॉप पे, बच्चों के लिए ब्रेड लेने के लिए। ब्रेड ख़त्म हुई हुई है, और लेके आऊँ मॉस्किटो वाला, वो जो नहीं मोर्टीन तो दूसरियाँ स्प्रेवां शिप्रेवा। रात को भी सारा किया कमरे में, पता नहीं मच्छर आंदा कितों है, बहुत ही लड़ गया मच्छर थे। अब्दुल्ला नूवी अनम नूवी, तो जाती हूँ लेके आऊँ जाके कोई स्ट्रॉन्ग जी स्प्रे। रात को इन सबको बाहर बैठा के ना कमरे में करके, तो फिर इनको कमरे में भेजूँ। मुझे लगता है इंजी करना पैना मैंने, जब लाइबा जाना छोटे थे ना तब मैं ऐसे करती होती थी। दुकान लाई उन्हें अपनी दुकान, दुकान लाई इस उत्थे। ऐ वेखो ऐ वेखो ऐ वेखो जी दुकान, डब्बे चुके खा जा रही। टाफियां, सारियां टाफियां खान पे। ऐ बाहर गली दे बच्चियां नू वंड रहीयां सु, ओनिया चिल्ली मिली जांदी है। कहंदी है मैंने बांट रही हां बाहर बच्चों में। अम्मी वंडदे हुंदे सन ना बाहर, ते ऐ नाल खलोती हुंदी सी, ते नाना पुकार दे रहन बच्चे उनको। ये उसके देखो वो उसके पत्ते भी आ रहे हैं, ये वाला ट्री, ये वाला प्लांट जो है ना ट्री कहंदी पई हां। इस प्लांट इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, ये देखो हमारे इधर होते ही इसके निकले ये फ्लावर, इसके ये ग्रीन पत्ते भी निकले। ये विंटर में बिल्कुल सूख गया हुआ था। ये देखो ये मिंट लगा हुआ है अब्दुल्ला, इधर मिंट है, ये धनिया है, ये एलोवेरा लगा हुआ है। ये देखें जी अदरक लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्चें आसिया बना गई है, प्याज काट गई है, और करेले जो हैं यहाँ पर नमक लगा के धो के रख गई है। इनको भी मैं कवर करूँ, इनको कवर करते हैं। और गैस आएगी तो मैं बनाऊँगी आज करेले और गोश्त।
और मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं कि आप सिलेंडर रख लें, यहाँ तो गैस का मसला जो है वो रहना ही है। तो सिलेंडर का भाई मैंने बड़ा डर लगता है ना, मैंने कभी सिलेंडर यूज़ नहीं किया, बच्चे भी मेरे साथ हैं तो मुझे तो डर लगता है। उस तो चंगा है कि गैस नहीं है, तो खैर कोई नहीं सिलेंडर तो मेरी उंझ जान जाती जे, खुदा ना खास्ता जाए कुछ हो ही ना ना जाए। तो आज जी देखें कपड़े धुल के डाल गई हैं, धो के डाल गई हैं कपड़े, हैं देखो जी कपड़े धो के पा गई ने, तो बस उन्हें सुकन गए तो फिर मैं उतार के तय करके इनको रख दूँगी। जो इस्त्री करने वाले हैं वो इस्त्री हो जाएंगे। धूप देखें आज बड़ी तेज़ शदीद धूप निकली हुई है। अबू जी अभी जाएंगे अपनी पेंशन लेने के लिए, तैयार हुए हुए हैं। वो देखें अबू जी आए माशाल्लाह। नहीं कोई भी नहीं, वो तो बैंक में चले लेना, बैंक में चले लियो। और मैं जा रही हूँ जी अबू जी का पासपोर्ट पिक करने के लिए। ये वाली नहीं है, तो कच्ची पेंसिल है है नहीं। अच्छा मैं ले आती हूँ। तो बस जी पासपोर्ट अबू जी का एक्सपायर होता पाया सी मई में, तो मैंने कहा चले जो है ना इनका रीन्यू करवाया जाए। रोमा ने कहा कि रीन्यू कर आई हो तो रीन्यू करवा के तो रख जाओ, फिर जो है ना ज़रूरत पै सकती है। अबू जी को दूँ पानी, देखो कपड़े नहीं पेंसिल पता नहीं इतने है ही नहीं घर में, दराजा चेक कर दी हैं अबू जी के दराज में देखो आने लगे। ओ खोल लेनी है दरवाज़ा, बच्चे खोल लेंगे, बच्चे दरवाज़ा खोल देंगे। वो एहसन ने आना है अबू जी, एहसन ने आना ना, मैं तेरा पासपोर्ट ले जाना, मैं तुम्हें उतना बैंक ला दाँगी रिक्शे से, फिर टुर के जाओगे ना। चलो फिर अबू जी जी जाने लगे अपनी पेंशन लेने के लिए, ध्यान ना जाइयो ध्यान ना। चल भाई खैर जा, जावा। देखो पासपोर्ट बड़ा अच्छा बना है माशाल्लाह से, हरे रंग का पासपोर्ट, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। खोल दो गेट, नाना अबू पता नहीं अब कुंडी लगा देते हैं, कुंडियां नाना अबू ने लाइया होंगे ने। तो इसको जी रखेंगे हम दरवाज के अंदर, रहेंगे बंद। तो अबू जी के जी पासपोर्ट का मिशन हुआ चाहता है पूरा। तो देखो बैठे हुए क्या कर रहे हैं, चलें देखते हैं चल के। बड़ी तूपे तूपे चल, हाँ जी हाँ जी लभ लिया सी, मैंने पुछता तुहाडे की लगते ने, मैंने पुछता तुहाडे की लगते ने जिन्हों का पासपोर्ट लैन आए हो। अच्छा। मैं क्या मेरे अबू जी ने। अच्छा। तो हादसा ही निकल गया। मैं क्या अबू जी हैं जी मेरे जिनका पासपोर्ट, क्या ढूंढ रहे हो आप अब्दुल्ला जी, पानी पीने मेरे बेटे ने, बर्फ डाल दूँ उसमें, बर्फ डालनी है बर्फ। नहीं मैं रिक्शे में ही बैठी ही सा, रिक्शे में ही सा, उन्हें अंदरों जा के फिर ले आ दिता सी। हाँ अपने जाने मेरे साथ बाजार, सैंडल पहन लेना अपने, ठीक है। क्या किया था फिर आप लोगों ने, मामा गई हुई थी तो लड़ाई नहीं। आहो बाजार जाना है जरा, काम है काम। सिलवाने के लिए दिए हुए अब्दुल्ला कपड़े, ये एन एम बैठी हुई आगे। चलो आज पीछे ना एक साल का अंदाजा, बड़ा नाइस था। ये देखो इसने ये कार्ड, ये वालियाँ, ये वाली दुपट्टा दिखा दें इस वाले का। हाय हाय अस्सलामुअलैकुम, देखो नाना भाई लग गई। नाना अबू इधर ही बैठे हुए सुते नहीं, आपके इंतजार में सुते नहीं। हाँ कहते आपके इंतजार में था। नाना अबू कहते मुझे लगा दरवाजा ना खड़काती रही, मैं कहीं सो ना जाऊं। दो क्या खाने के लिए लाए, अंदर जाओ नाना अबू ने भी दबो विचो सैंडविच, देखियो मिर्चा ना हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, देखे इतनी शिक्र दोपहर में मज़ार गए हुए थे। रख दो रख दो रख दो एहसन। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला सो के उठे। चलो जी अब्दुल्ला को दो भाई कुछ खाने के लिए, देख दिलवाई है मैंने वेजिटेबल वाले चावलों की, क्योंकि बच्चों ने चिकन खाना नहीं था। और मैं क्या, चलो घर में भी थोड़ा खाया जाए। कौन
तो जी अब हम बांटेंगे चावल। तो आज हमने बनवाए हैं मिक्स वेजिटेबल वाले चावल, आलू, गाजरा, मटर और बंद गोभी वाले। तो चिकन के लास्ट टाइम बनवाई थी, चिकन का पता नहीं बहुत ही हार्ड रहा देगा दे। तो हमने सोचा कि पहले सोचा चनों वाले बनवाए, चने वाले, फिर जड़ा उन्होंने टाइम बड़ा लगना सी। तो मिक्स वेजिटेबल वाले चावल मैं दिखाती हूँ, बड़े मज़े के लग रहे हैं। ये देखें, ये देखो बड़े मज़े के लग रहे हैं, मज़े। आहो छापरा में छिपा के दे रहे हैं चावल। क्या हुआ है, जुबान को कुछ हो गया? चल बस सही है। दांत को कुछ हो रहा है आपके? बाजी पुछिन को पांच माइयों को ले जाना आके चावल। मेरे याद ही रहना, तेरे रोज कहना, लोग कहते हैं कि क्या अपने झाड़ दरवाजे के आगे रखे होते हैं, चौके से करवा दे रखो ऐसे बुरे लाभ ने। मैं रोज सोचती हूँ कि मैं तुम्हारे कोई तरह भूल जाती हूँ, मेरे मेरे और थोड़े काम ना मैं झाड़ूंगी तो चुप हो। पहले इतने काम है जिंदगी में, असली लोग ने आगे असली ऐसे नाल की बंदा बनावे तेरे ना चावल बनावे देनी शुरू करती है ना। हाँ हाँ देनी उधर जाके अब्दुल्ला आपने जाना है आसिया बाजी के साथ ये भाई चावल देने के लिए? क्यों बस ठीक है बस नहीं है देखा ऐसे ज्यादा बड़ी अपने शॉप पर। चलो भाई चुको, आसिया बाजी के साथ जाओ और ये सारे बांट के आओ जल्दी से। चलो जाओ भाई, चलो जाओ। हाँ पहले इस तरफ जाओ ना, चलो जाओ जाओ जाओ। ये देखें जी, ये हमारे मेरी भतीजी ने बना के भेजा है। तो हम तुसी कहोगे भरा दा ते विआह नहीं होया ते भतीजी केड़ी है, मेरे बड़े भाई हैं जी। मेरा एक भरा नहीं, मेरे बड़े भरा ने हैं, हमारे भाई के बेस्ट फ्रेंड है, वो भी हमारे भाई हैं। तो ये उनकी बेटी ने बनाया है, तो खोलो ज़रा इन भाभी खोलना। तो ये देखें मैं दिखाती हूँ, उन्होंने ड्रीम केक बनाया है। मैं आई डी मैंशन करूँगी, उनका चैनल है अपना, आप जो हैं जो हमारे शहर के हैं वो उनको ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें, ये देखें, ये बच्चे खाएंगे अब जब रोज़ा खुलेगा। टाइम मेरे पास भी थोड़ा है, ये जी हम अफ्तारी पे खोलेंगे, इसके अंदर बड़ी साइंस है, वो आपको अफ्तारी पे नज़र आएगी। चलें जी माशाल्लाह। तो ये देखें जी, तो यहाँ पे जी होने लगी है ऊपर वाले कमरों की सफाई। यह देखो सारा पहला होएगा पेटियां वाला कमरा, ये देखो पेटी वाला, पेटी टैची शैची उत्ते पे ने, ये कमरा करेंगे। फिर इसके बाद भाई का कमरा चंगी तरह ना डस्टिंग करनी है, चादर उछानिया ने उदे ते तशरीफ लेके जाए सर, उधर देखी कर लिए, बड़ी स्पीड है नी ताडी, ले तशरीफ लेके जाए। क्या किया हुआ यहाँ पे? अच्छा चादर बिछा दी हुई है, चादर बिछा गई हूँ, चलो चंगा किया जे। सारी डस्टिंग वगैरह की है, जरा देखा है, देखो मेरे हाथ काले हो गए हैं उत्तों उत्तों ही कपड़ा। एक किरण ये चंगी तरह साफ करो नहीं फर्नीचर है, देखो मेरे हाथ काले हो गए ना, हाथ मेरे अच्छी तरह से डस्टिंग करो फर्नीचर की, पता खराब हो जाती है पॉलिश वगैरह। हाथ धोवा हूँ मैं अपने, उसको ना कपड़े को दबा के फेरो, किरण मजाक नहीं कर दी, देख छोटे भरा का कमरा चंगी तरह साफ करया करो प्लीज, गुना देखी चारा नहीं हैगा, तो इंज थोड़ा कमरे की हालत करनी है। इतने भी मटिया देख लो तुम आप ही, फिर तुम कहते हो कि आप उनसे ऐसे क्यों कहती हैं, तो ये देखेंगे मुझे कहती हैं हमने कर लिया, देख लो
हेलो कहती मेरा वी आई पी भाई इनू ना काम की गल मैं कह ना टोटली इग्नोर करेगी उत्तों अपना ही आपी की गल तो तू सुन नहीं सही तरह किरण किरण सारी मट्टी है चल चल शाबाश आखो चलो पाकिस्तान का झंडा बनी जी अज क्या हो गया की हो गया जे ये बैठक च कपड़े पे ने मैं ला दिते सानू तय करके फिर लै जाइयो इस्त्री वास्ते ये देखे सारी सफाई हो रही है यहाँ से छत धुल रही है छत रोजाने हो रही है चले ऊपर फिर अब्दुल्ला नहीं आओ ना अभी खुद ही बोला वॉश करना है चले ऊपर छत को वॉश करने चलाओ मच्छर लग जाएगा मच्छर बहुत लग रहे हैं मेरे मुंह में बेचारा फुटबॉल खेलो नाना भी बाहर बैठे हो जब हम छोटे थे ना हम इस विंडो के अंदर खड़े होते थे ये हमने विंडो बनाई हुई थी खड़े हो जाओ पूरे आ जाओगे आप गिर जाओगी हम दुपट्टा नीचे छोड़ आई हो अपना ध्यान से इधर हम इतना खेलते होते थे ना हाँ ये डेंजरस है ये तारे लगी हुई है बटन है ना ये देखो ये यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं ये पता नहीं किधर जा रहे हैं कितने दिया तारा ने पता नहीं पखा लाते होंगे सन इतने की करते सन ये देखो ये मामू के कबूतर होते थे ना अब्दुल्ला मामू के कबूतर होते थे ये उनका था बनाया हुआ उन्होंने केज इधर शावर करना ऊपर हाँ नहीं कपड़े पहन के शावर कर लो इधर छत पे वैसे पाइप लगा के ना छत पे पाइप लगा के इधर नहाओ मजा बड़ा है इधर पाइप रखे हाँ पाइप इधर रख सकते हो कल कल करें कल नहीं कल तो मामू की तरफ जाना है सो अगर अनम स्पेयर कपड़े पहने मैं भी स्पेयर कपड़े पहनू मैं अनम हम खुद ही नाचते क्योंकि हम कपड़े पहनेंगे हाँ देखो मामू का कमरा कितना अच्छा साफ हो गया पानी है वो निकाल के तो गई है किरण वो वाइपर लेके आती है अभी वाइपर लेके आएगी ना पानी हाँ उसको को किरण मामा कह रही ऊपर वाइपर लेके आओ हो नो 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 ये क्या करने लगे हो सीमेंट ओए उल्लू तो पट्टे छोड़ दो इन्हें रखो उसके अंदर कहाँ करो यहाँ पे वो धोके गई सारा गंद पड़ेगा रखो इसको हैंड वॉश करो अपने चलाओ नीचे मैं जा रही हूँ ये देखो जी कपड़े जाएंगे अब इस्त्री वाले अलो थम्मे चमड़ी जे तेनू की होया करंट लग गया
ਉਹ ਤਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੰਮੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਐਵੇਂ ਚਮੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਪਾਈਪ ਉਹ ਨੀਚੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਪ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿਰਨ ਲੈ ਆ ਉਸਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ये देखें जी यहाँ पे पाइप लगा ऊपर पानी का बच्चे छत पे नहाने लगे हैं है? गर्मी आ रही है ने मजे आए मैं तो अपना दिल करता पा ठंडे ठंडे पानी जाके नहा लो हांडी पका रही है गर्मी लग रही थी नहीं बिजली दी तारा ने किरण ध्यान कर सही अब्दुल्ला भाग जो भाग जो भाग जो ये देखे जी आसिया लेके जाएगी इस्त्री वाले कपड़े अब्दुल्ला ही नहाएगा अब्दुल्ला शर्ट पहनो है ना आपके ऊपर करेगी चलो भाई आज उन्हें नुआइए ओए बस 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 लत जाना जे लोहे दे नाल की नाना मैं पाइप देख जरा ले के आई है आराम से भाग गया अब्दुल्ला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठंडा पानी है अब्दुल्ला स्पंज बन गया स्पंज बन गया अब्बू जी बैठे हुए हैं मैं और अब्दुल्ला जा रहे हैं आइसक्रीम लेने जा रही हूँ आइसक्रीम अब्दुल्ला आ जाओ आज आज उसने फलूदा बनाना है ना जैनब ने आ जाओ आओ ना लेने जाए शॉप से बंद करो लेसिस अपने आहो सारे मिट्टी के बच्चे ने रोल जाना में बांधो इनको अच्छी तरीके से चलो 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 जल्दी करो और रात के लिए जी मैंने यहाँ पे चप्पल कबाब जो थे मैंने लेके आई हुई थी फ्रोजन वाले ये हम कर रहे थे गरम हल्के से ऑयल में और साथ में ये देग वाले चावल थे आसिया यहाँ पे बना रही थी चटनी तो बस 6:30 का टाइम हो चुका है हमें तो अब्बू जी के साथ ही हम सब खाना खा लेते हैं बड़ा अच्छा लगता है फिर आसिया का भी जो खाना होता है वो यहाँ पे खा लेती है कुछ वो घर के लिए ले जाती है तो बस 7 बजे जो है ना खा पी के हम सारा कुछ मतलब के सफाई होकर 7:15 बजे तक आसिया जो है वो घर चली जाती है तो यहाँ पर ये देखें जी बच्चे भी लगे हुए हैं किचन में काम शाम करने जैनब जो है उसने आज बनाया है फलूदा तो कहती थी कि रात को ना हम वो खाएंगे क्योंकि गर्मी अब ज़रा शुरू हो चुकी है तो एसी भी ऐसी चला रहे हैं तो यह देखो जी चटनी जो है वो हमने डाल ली इसमें और साथ में तरबूज भी काटा हुआ पहले बच्चे खा लेंगे जी ये जो है चप्पल कबाब तो चावल कहने सन हले असी नहीं खाने अभी हमें भूख नहीं है तो यहाँ पर ये देखे मैंने तरबूज काट के रखा हुआ था तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में तब तक दुआओं में याद रखें अपना ख्याल रखें जज़ाकअल्लाह खैर अल्लाह हाफिज़